बाहर मैं आज अब अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। जिस जो बात मैं करने आप लोगों के बीच आया हूँ, ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो जो लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में देख लेंगे। दोस्तों, आज हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर में बैठे हुए हैं। आज सारी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग भय की स्थिति में हैं। लेकिन हमारी परवरिश इतने पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के बीच हुई है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सेफ शॉप के में और इवॉल्व इंडिया सिस्टम ने हमें सिखाया कि हमारे ऊपर उन नेगेटिव चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ा और हम सब लोगों ने उल्टा इसको पॉजिटिव वे में लिया। पॉजिटिव वे में इस तरह लिया कि ये एक समस्या नहीं, ये एक हम सब के लिए मौका है कि हम लोग बहुत कुछ सीख पाएँ, अपना ज्ञान बढ़ा सकें, नॉलेज ले सकें, कुछ ऐसा काम कर सकें जो अब तक हम नहीं कर पाए, कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकें जो हम अब तक नहीं सीख पाए। पीछे हमने जूम मीटिंग स्टार्ट करा और जूम के जरिए बड़े सारे दोस्तों से बात जब होने शुरू हो गई तो लोगों ने बोला कि सर, अभी तो इस छुट्टियों के अंदर, इस लॉकडाउन के दरमियान हम लोग अब किताबें पढ़ रहे हैं, बच्चों से इंग्लिश सीख रहे हैं। कई लोगों ने बोला मैं कुकिंग सीख रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि लोग सीखने पे गौर कर रहे हैं। और ये मौका है मेरे दोस्त सभी लोगों के लिए कि हम सीखने पे गौर करें। ये मौका शायद दोबारा ना मिले। जब हम लोग यहाँ से, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और जब हम लोग फील्ड में जाएंगे, जब हम लोग अपना काम करना शुरू करेंगे, काम में लग जाएंगे, तो शायद हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम सीख सकें। तो आज अगर मैं आपको सबसे पहले कुछ कहना चाहूँ तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे पहला लेसन जो हमें लेना है, वो ये लेना है कि इस लॉकडाउन के दरमियान हमें नॉलेज हासिल करना है, हमें ज्ञान हासिल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जबकि जब हम लॉकडाउन के बाद बाहर निकले, फील्ड में जाएं, काम करना शुरू करें, तो लोगों को हमारे अंदर चेंज नज़र आए। जब आप स्टेज पर खड़े होकर बात करें तो आपके डाउनलाइन को और आपके टीम को लगे कि हाँ, हमारे लीडर में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, आपकी ट्रेनिंग में, आपकी बातचीत में, आपके आचार विचार में, आपके व्यवहार में, आपके वर्किंग के रिजल्ट में, इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत बड़े चेंज नज़र आना चाहिए। और डेफिनेटली मुझे मालूम है हम सभी लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। हमारे जितने भी सेफ शॉप इवॉल्व इंडिया के दोस्त हैं, वो सभी के सभी लोग सीख रहे हैं, सभी के सभी लोग किताबें पढ़ रहे हैं, सभी के सभी लोग नई नई ट्रेनिंग बना रहे हैं, भली भांति से मैं जानता हूं। दोस्तों, एक और बात मैं मुद्दे की बात पर आऊं, उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज जब हम घर में बैठे हुए हैं तो हमारे सामने एक और ही बहुत ही बेहतरीन मौका है। दूरदर्शन के ऊपर रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स आने शुरू हो गए हैं। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि रामायण और महाभारत सीरियल को जब हम देखें तो उसको मनोरंजन के लिहाज से ना देखें मेरे दोस्त, उसको देखें कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए। जब उसको देखें तो हम ऐसा देखें जैसे हमें अपलाइन कुछ सिखाते हैं, वैसे वो टीवी सीरियल्स में हमें कुछ सिखा रहा है। मेरा एक सलाह है आप सभी लोगों को कि जब रामायण और महाभारत देखने बैठें तो डायरी पेन लेकर बैठें और जो भी बातें अच्छी लगें उसको नोट डाउन करें, क्योंकि ये जो सीरियल है मेरे दोस्त, एक तरफ रामायण में ज्ञान का भंडार है जहाँ से हमें नीति का ज्ञान मिलता है, और दूसरी तरफ महाभारत में हमें ये सिखाया जाता है कि कर्म सबसे प्रधान है, कर्म की बड़ी महानता है। ये छोटी सी सलाह है मेरे तरफ से आप सभी लोगों को, क्योंकि बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा और ये जो ज्ञान हम हासिल करेंगे, ये जो चीज़ें हम नोट डाउन करके लिखेंगे, पूरी ज़िंदगी हमें काम आएगा, पूरी ज़िंदगी हमारे ज़िंदगी को जीने में सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, ये तो ज्ञान ध्यान की बातें थी, अब मैं कुछ काम की बात करना चाहूँगा, बिजनेस की बात करना चाहूँगा अपने सभी के सभी लीडर के साथ, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। ये मेरे पेज पे भी जितने लोग जुड़े हैं और बाकी अलग अलग पेज के ऊपर बड़े सारे लोग जुड़े होंगे, मुझे नहीं पता कितने हज़ार लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अब जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ वो प्योर एंड श्योर हमारे बिजनेस का मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, किस तरीके से ज़िंदगी बदलेगी उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो बात मैं करूँगा वो जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं इस फेसबुक लाइव के जरिए उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जो पिछले 14-14.5 सालों में मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से, हर्ष सर से, दीपक सर से, मान साहब से, अजय सर से, अपनी कंपनी के डायरेक्टर से, सेब शॉप के और भी बड़े लीडर से। उन सब चीज़ों के आधार पर मैं अगले 20 मिनट आपसे कुछ बात करूंगा मेरे दोस्त। एक बात मेरे मन में उठ रही है जो मैं सब आपसे करना चाहता हूं कि हमने अपने आसपास, अपने आजू बाजू, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग काबिलियत रखते हैं, उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए, जो वो डिज़र्विंग हैं, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जैसी ज़िंदगी उनको होनी चाहिए उनको नहीं मिला। आप सब सोचते होंगे कि हाँ ऐसे बड़े सारे लोग हैं, यस दोस्त ऐसे लोग हैं, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस अंतर इतना है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनको एक रास्ता नहीं मिला जिस रास्ते पे चल के अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर के जाएं। मतलब मैं बोलूं तो उनके पास कार तो बड़ी अच्छी है लेकिन वो सड़क नहीं मिला जहाँ पे उस कार को वो 100, 150, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा सकें। और हम लोग कुछ खुशकिस्मत है दोस्त कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला सेफ शॉप के रूप में। आज जितने भी सीनियर लीडर हैं, हर्ष सर, दीपक सर, मान साहब, अजय सर, अमित मिश्रा जी, पांडा दादा, नायक जी, विशेष जी, मेरे अजीज मित्र प्रवीण सिन्हा जी, मेरे ब्रदर संजय तिवारी जी, ये सब लोगों ने आज अपने ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करा जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता शायद। इन लोगों ने आज ये सेफ शॉप बिजनेस में आने से पहले भी ये लोग मेहनती थे, ये लोग कर्मठ थे, ये लोग जुझारू थे। ऐसा नहीं कि पहले ये मेहनत में से दिल चुराते थे। जितने भी लोग हैं, या मैं हूँ, या अमित जी हैं, या हर्ष सर हैं, या जिसका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लीडर, सभी के सभी लोग अपने अपने फील्ड में बहुत कर्मठ थे, अपने अपने फील्ड में बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको वो रास्ता नहीं मिला था जिससे कि वो बड़ी ऊंचाई पे आ सकें, जिससे कि वो बहुत बड़ी मुकाम को हासिल कर सकें। लेकिन खुशकिस्मत है हमारा कि हमें वो रास्ता मिला, हम सभी लोगों ने और इन सभी लीडर्स ने मेहनत करना शुरू करा। बुद्धि विवेक हमारे अंदर पहले भी उतनी ही थी लेकिन पहले एक रास्ता नहीं था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था। आज एक रास्ता मिला और उस प्लेटफॉर्म पे चलते हुए लोगों की ज़िंदगी बदली। और आप सभी जितने भी सेफ शॉप एसोसिएट हैं, सेफ शॉप एडवाइजर हैं, सभी आप अपने लीडर्स के बारे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी पहले क्या थी और उनकी ज़िंदगी आज क्या हो गई, कहाँ थे और कहाँ आ गए। कोई चंद हज़ार रुपये की नौकरी किया करता था फौज के अंदर, तो मैं और मेरे ब्रदर हम लोग दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर चलाया करते थे, बड़ी मुश्किल से 25-30 हज़ार महीना कमाते थे। आज ज़िंदगी में सपनों से सुंदर घर है, सपनों से सुंदर गाड़ी है, बैलेंस लाइफ है, टाइम फ्रीडम है, वो सारा का सारा चीज़ मिला जहाँ से, जो वहाँ से नहीं मिल सकता था। मेरे बड़े सारे ऐसे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो बोलते हैं कि तुम लोग किस्मत वाले हो, और मैं प्राउडली बोलता हूं कि हाँ मैं किस्मत वाला हूं। मैं इसलिए नहीं किस्मत वाला हूं कि मैं आज कामयाब इंसान हूं, मैं इसलिए किस्मत वाला हूं कि मुझे सेफ शॉप बिजनेस मिला। और जितने भी लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मैं बोलूंगा कि आप सच में आप सभी के सभी लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको सेफ शॉप बिजनेस मिला। इस बिजनेस के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ताकत है मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा ताकत है। आप गलती से भी ये मत समझना कि अमित जी के अंदर बहुत ताकत था, सुबोध जी के अंदर बहुत ताकत था, हर्ष सर के अंदर बहुत ताकत था, ये लोग बहुत पावरफुल हैं। नहीं दोस्त, हम पावरफुल नहीं हैं। हम पावरफुल होते तो हम पहले जिस रास्ते पे काम कर रहे थे वहाँ काम करते हुए भी ज़िंदगी जी लेते, वहाँ काम करते हुए भी ऑडी में आ जाते, नहीं आ पाए। ये हमारी तारीफ नहीं है, ये हमारा ताकत नहीं है, ये तारीफ है तो सेफ शॉप की, ये ताकत है तो सेफ शॉप की। बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा और आपको वही करना पड़ेगा जो हम लोगों ने करा।
आपको वही करना पड़ेगा कि सेफ शॉप के जितने लीडर ने करा वही करना पड़ेगा। अगर आप वही करेंगे तो आपको भी वो सारी की सारी कामयाबी मिलेगी जो बाकियों को मिला है, जो हजारों लाखों लोगों को जिंदगी में मिला है। दोस्तों, एक तरफ तो ये सच्चाई है कि लोगों की जिंदगी बदली, और एक तरफ ये भी सच्चाई है, एक तरफ ये भी सच्चाई है मेरे दोस्त, कि हमारे बड़े सारे ऐसे मित्र हैं जो सपनों को लेकर आते हैं बिजनेस में, लेकिन उनके सपने किसी भी कारण से पूरा नहीं हो पाता। वो लोग थोड़े टाइम के बाद घुटने टेक देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम बड़ा मुश्किल है। वो कामयाब नहीं होते, वो दोबारा से अपने नौकरी के अंदर, अपने कोचिंग के अंदर, अपने दुकान के अंदर चले जाते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मेरे दोस्त आप सभी लोगों से, कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या फर्क है, ऐसा क्या है अमित मिश्रा के अंदर, ऐसा क्या है हर सर के अंदर, ऐसा क्या है सुबोध तिवारी के अंदर जो बाकी लोगों के अंदर नहीं है, ऐसा क्या है प्रवीण सिन्हा में, ऐसा क्या है जैन साहब में, ऐसा क्या है माधव जी में जो बाकियों में नहीं है। मेरे दोस्त, कोई अंतर नहीं है, जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, जैसा मैं हूं वैसा आप हैं। ये जो कामयाब लोग हैं, इन लोगों ने कुछ चीजों को फॉलो करा, उन लोगों ने कुछ बातों पे गौर करा जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। और इन लोगों ने जो काम किया है, इन लोगों ने जिन फॉर्मूले पे को फॉलो करके जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी ली है, आज मैं आपके सामने इस लॉकडाउन में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बदौलत आज हमारे घर में इतनी खुशियां हैं? ऐसी कौन सी चीज है कि आज दो भाई ने दो दो ढाई ढाई करोड़ का फ्लैट हमने खरीदा हुआ है डीएलएफ के अंदर? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा क्या करा एसएस पांडा ने, अमित मिश्रा ने और बाकी सभी लीडर ने कि उनके पास आज बड़ी बड़ी अचीवमेंट है? उन सब लोगों ने अपने जिंदगी में एक फॉर्मूला को फॉलो करा है, आप जानते भी होंगे, बड़े सारे दोस्त हमारे नहीं भी जानते होंगे। उस फॉर्मूला के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहां से अगले 15-20 मिनट तक कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। वो फॉर्मूला है मेरे दोस्त 6C फॉर्मूला। 6C मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आपको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, शायद आप समझ जाएंगे। 6C का फॉर्मूला जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, अगर आप उसको समझ गए, अगर आपने अपने जिंदगी में उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप मनवांछित सफलता पाएंगे। आप जो चाहेंगे जिंदगी में, जो हासिल करना चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। वो जो 6C फॉर्मूला है, मैंने पेजेज रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। वो जो 6C फॉर्मूला है, अब ये लैपटॉप पे तो सीधा दिखता है, इस पे शायद दिखेगा नहीं, या मैं कैमरा का एंगल चेंज करूं तो शायद दिख। ये 6C फॉर्मूला है। पहला सी है कमिटमेंट, दूसरा सी है करेज, तीसरा सी है क्रिएटिविटी, चौथा चीज है कैपेबिलिटी, पांचवा सी है कॉन्फिडेंस और छठा सी है कंटिन्यूटी। अब मैं एक एक करके विस्तार से आप लोगों से बात करूंगा। जो पहला सी है कमिटमेंट, ये कमिटमेंट क्या है? पहला सी कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट का क्या मतलब है? कमिटमेंट का मतलब है कि जब हम इस बिजनेस के अंदर आए तो हम सब लोगों ने कुछ सपने देखे, हम सब लोगों ने सपना देखा कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, हमारे पास अच्छा घर होगा, हमारे पास अच्छा बैंक बैलेंस होगा, हम सारी फॉरेन ट्रिप जाएंगे, करेंगे, बड़ी सारी चीज़ें अचीव करेंगे। ये हमने सपना तो देखा, लेकिन हम कमिटेड नहीं हुए अपने सपने के प्रति, उसको कसम नहीं खाया कि किसी भी तरीके से मुझे अचीव करना है। कमिटमेंट का मतलब वो है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे उस चीज को पाना है, जो करना पड़े। हमने ठाना नहीं अंदर से। कमिटमेंट वो है कि दुनिया की सारी ताकत मिल करके आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तब भी आप बोले कि नहीं, जो मैंने ठान लिया वो ठान लिया। आज जितने भी लीडर हैं, जितने भी लोगों को आप आज बड़ी बड़ी मुकाम पे देखते हैं, जितने भी लोगों के सामने आप इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट देखते हैं, सब लोगों ने जो कमिट करा दुनिया से, जो कमिट करा अपने अपलायंस से, जो कमिट करा अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, उसको अचीव किया।
किसी भी हालत में अचीव करा। और कमिटमेंट क्या करना है? कमिटमेंट कुछ ऐसा कमिटमेंट करना है जो कि हमें बहुत मुश्किल लगता हो। अक्सर हम लोग बात करते हैं, मीटिंग्स, टीम मीटिंग लेते हैं, अपने लोगों से ट्रेनिंग में बात करते हैं, जब लोगों से कमिटमेंट लेते हैं कि अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है, लोग घबरा जाते हैं और लोग छोटी सी कमिटमेंट करते हैं और ऐसी कमिटमेंट करते हैं जो उनको दिख रहा होता है कि मैं इसको पूरा कर लूंगा। मैं आपको आज करेक्ट करना चाहता हूं मेरे दोस्त, जो आपको दिख रहा है, जिसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, जो आप कर सकते हैं, एक्चुअल में तो वो कमिटमेंट है ही नहीं। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। कमिटमेंट तो हमने जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें वो कमिटमेंट करना पड़ेगा कि जो नहीं दिख रहा है, जो मुश्किल लग रहा है, जो असंभव सा लगता है, जिसका रास्ता अभी नहीं मालूम है, रास्ता मालूम हो जाएगा पहले कमिटमेंट तो करिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा था और एक बार देखना पड़ेगा डेट। हाँ, 20 जनवरी सन 1961 को जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने कमिटमेंट करा था कि अमेरिका आज से 10 साल के अंदर मून पे लोगों को भेजेगी, चांद पे हम लोग इंसान भेजेंगे और उसको वापस बुलाएंगे। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया। सिर्फ ये कमिटमेंट नहीं करा कि लोगों को भेजना है, ये भी कमिटमेंट करा कि लोगों को भेजना और वापस बुलाना है, सुरक्षित वापस लाने का कमिटमेंट कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय पे अमेरिका के अंदर 20 माइल से ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने के वाला कोई रॉकेट नहीं था। उस समय उन्होंने कमिटमेंट करा था और उनके कमिटमेंट करने का ये नतीजा रहा कि उनके लोगों के अंदर, उनकी नासा के पूरी टीम के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई, जोश की लहर दौड़ गई। सब लोगों ने कसम खाया कि हमारे प्रेसिडेंट ने पूरी दुनिया के अंदर कमिटमेंट करा है कि हमने 10 साल के अंदर अंदर चांद पे अपने लोगों को भेजना है। लोगों को काम करने का तरीका बदल गया, लोग ज्यादा मेहनत करने लगे, पागलपन की तरह जुनूनी होकर के काम करने लग गए। और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों ने चांद के ऊपर कदम रखा और वो सब लोग वापस आ गए। ये कमिटमेंट का पावर है दोस्तों। जिस दिन मैंने कमिटमेंट करा था कि मैं ऑडी खरीदूंगा, मेरे को नहीं मालूम था ऑडी कहां से आएगा। जिस दिन मैं कमिटमेंट किया था कि डायमंड बनूंगा, मुझे नहीं मालूम था डायमंड कैसे बनूंगा। जिस दिन आपने अपने अप्लाइंस से कमिटमेंट किया था कि मैं नया सेमिनार शुरू करूंगा, आपको नहीं मालूम था सेमिनार कैसे शुरू करूंगा। आपको अपने लेवल से बड़ा चीजों को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सर मैं ये काम करने वाला हूं। रास्ते नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। वक्त कम है, मैं आगे बढ़ाता हूं बातों को। वो रास्ते कैसे मिलेंगे? वो रास्ते मिलने के लिए आपको कमिटमेंट के बाद दूसरे सी पे जाना पड़ेगा, दैट इज करेज, साहस। और करेज मेरे दोस्त, करेज का सच में बहुत हिम्मत वाले करेज कर पाते हैं। करेज आपको अच्छी फीलिंग नहीं देती है। करेज ऐसा चीज है, साहस ऐसा चीज है, जब आप सोचेंगे, जब आपने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे ये बड़ा काम करना है, जब मैंने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे ऑडी कार खरीदनी है, मुझे घर बनाना है, मुझे डायमंड बनना है, तो रात को जब मैं बिस्तर पे जाता था तो मेरे को अपने अंदर एंजाइटी, फियर, ऐसा लगता था कि कैसे कर पाऊंगा ये। मन करता था कई बार गिव अप करने का। उस समय फियर और करेज फाइट करता है आपस में, दोनों लड़ता है। डर बोलेगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से, और बड़े सारे लोग वहां पे गिव अप दे देते हैं, और जो साहस है अंदर से वो बोलेगा कि नहीं, करूंगा मैं। गौर करिएगा मेरी बातों पे। आपने आज कमिटमेंट करा कि मैंने एक नया सेमिनार शुरू करना। मैं अपने छोटे लेवल से बात करता हूं, बड़ी बड़ी बातें को साइड में रखते हैं, छोटे लेवल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैंने एक सेमिनार करना है, अपने अपलाइन के साथ कमिटमेंट कर दिया कि सर मैंने अगले 3 महीने में 2 लाख रुपए कमाना है, सर मैंने ये लंदन का टारगेट जीतना है, सर मैं नए सिटी डेवलप कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि कैसे करेंगे। जब आप सोचना शुरू करेंगे उसके बारे में तो हमारे मन के अंदर ही भय है और हमारे मन के अंदर ही साहस है। ये भय और ये साहस दोनों आपस में लड़ेगा, और आप साहसी होकर सोचेंगे तो वो भय परास्त हो जाएगा। वहीं पे बड़े सारे लोग गिव अप कर देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। उनको रास्ता नहीं दिखता, रास्ता के बारे में सोचते नहीं। आपको भी लग रहा होगा कि सर रास्ता कैसे दिखेगा, साहस तो किया, कमिटमेंट करने के बाद करेज भी दिखाया कि मैं करूंगा, और लेकिन जब करने गया तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ
कि करेज आपका पक्का नहीं था और कमिटमेंट आपका 100% नहीं था। कमिटमेंट 35% था, 40% था, 50% था। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं अगर तो कमिटमेंट 100% करना पड़ेगा। जब 100% कमिटेड होगे तो आपका माइंड, आपका, आपके लिए ब्रेन रास्ता देना शुरू करेगा। जब आप करेज दिखाएंगे तो आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को कमांड देंगे, उसको ऑर्डर देंगे कि तू रास्ता बता। मन को बस में करेंगे, मन को कंट्रोल में करेंगे, मन पे भय नहीं आने देंगे, उसको कमांड देंगे। वंस योर करेज विन, जब करेज में और फियर में फाइट होगा तो करेज जीतेगा। किसका करेज जीतेगा? जिसका कमिटमेंट 100% होगा। गिव अप वही करते हैं जिनका कमिटमेंट कम होता है, छोटा होता है। अपलाइन से बोल तो दिया, घर वाले से बोल तो दिया, बेटा को बोल तो दिया कि बेटा तेरा अगले बर्थडे पे मैं लेकर के ताज में जाऊंगा, लेकिन वो मन से नहीं करा, वो अंदर से कमिटमेंट नहीं करा, अंदर से कमिटमेंट नहीं करा, अंदर से कमिटमेंट नहीं करा, जिसकी वजह से जो उसका करेज है वो डिफीट हो गया और उसका जो फियर है वो जीत गया। और जब करेज जीतेगा तो आप अपने ब्रेन को, आप अपने माइंड को कमिटमेंट कमांड देंगे कि तू इसके लिए रास्ता ढूंढ। और मेरे दोस्त, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और आप सभी लोगों ने भी जिंदगी में ये चीज महसूस करा होगा कहीं ना कहीं कि हम दिमाग को जो भी देते हैं कमांड, वो दिमाग करके देता है। ध्यान रखना, कभी झूठ बोला होगा घर में, कभी बचपन में मूवी देखने चले गए घर वाले को बिना बताए और वापिस आकर के उनको झूठ बोलने के लिए दिमाग को बोला होगा, दिमाग ब्रेन आइडिया दो बताओ मैं कौन सा बहाना बनाऊंगा, तो इस ब्रेन ने बहाना बना करके दिया होगा। ऐसा था या नहीं? ऐसा था। आज कमांड देने की जरूरत है कि तू बता मैं क्या करूं, कि किस रास्ते पे चलूं कि मैं अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाऊंगा। और यकीन करना, इसको जो कमांड दोगे ये वो रास्ता देगा। बहुत क्रिएटिविटी इसके अंदर है, बस हम इसको देते नहीं हैं। इसको कमांड देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कैसे बहाना देकर बॉस से बच जाएं? हम कौन सा बहाना ढूंढ कर बताएं कि नौकरी में एक घंटा कम काम करना पड़े, पैसे वाले को उधार ना चुकाना पड़े। हमने अपनी सारी की सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में लगा दी। हमने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को गलत चीज़ों के लिए कमांड दिया, तो ये हमें गलत चीज़ ला करके दिया। जब सही चीज़ों के लिए कमांड देंगे तो सही चीज़ ला करके देगा। जब आप कमांड देंगे कि रास्ता बता, इसको बताना पड़ेगा, ये आपको रास्ता बताएगा। किस चीज़ के लिए रास्ता बताएगा? कि जो कमिटमेंट मैंने करा है वो कैसे पूरा होगा, ये रास्ता बताएगा। क्रिएटिविटी आएगी, और जब क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी आपको समझ में आना शुरू होगा, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा मुझे नई सेमिनार शुरू करना है तो कैसे करूँ, तो आप लिस्ट बनाएंगे। जब आपका कमिटमेंट 100% पक्का होगा कि मुझे नया सेमिनार स्टार्ट करना है, आप करेज दिखाएंगे तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा कि नहीं, ये लीडर्स हैं जिनके साथ मैं शुरू कर सकता हूँ। तरह तरह का रास्ता आएगा। आप अपलाइन के पास जाएंगे, आप डाउनलाइन के पास जाएंगे, आप अपलाइन से पूछेंगे, आप यूट्यूब वीडियो देख करके रास्ता ढूंढ निकालेंगे, आप कुछ भी करके रास्ता ढूंढ निकालेंगे अगर आपका कमिटमेंट 100% है तो। जब आप रास्ता निकालेंगे जो उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, दैट इज द थर्ड सी। ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने बोला कमिटमेंट, दूसरा बोला करेज, और तीसरा बोला क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी तब आएगा जब करेज दिखाएंगे, और करेज तब आएगा जब कमिटमेंट आपका 100% होगा। और जब क्रिएटिविटी आ गया, आपको कुछ कुछ रास्ता दिखने लग जाएगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, मैं टीम मीटिंग लूंगा तो मेरा सेमिनार स्टार्ट होगा, मैं इतने लोगों को सिल्वर बनाने के लिए काम करूंगा तो मैं 2 लाख रुपए इस महीने कमा जाऊंगा। और उसके ऊपर जब आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। दैट इज़ द फोर्थ सी। पहला था कमिटमेंट, दोबारा रिपीट करता हूं, पहला था कमिटमेंट, दूसरा था करेज, तीसरा है क्रिएटिविटी, एंड चौथा है कैपेबिलिटी। अब ये चौथी चीज है, कैपेबिलिटी बढ़ेगी। कैपेबिलिटी कब बढ़ता है? अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, माइंड ने, ब्रेन ने क्रिएटिविटी तो दिया,
इसने रास्ता तो दिया कि बेटा तुम ये करो ये करो ये करो, जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं कैपेबिलिटी नहीं आएगी। कमिटमेंट था, करेज दिखाया तो क्रिएटिविटी आई, हमें रास्ता चल के आया, लेकिन कैपेबिलिटी तब आएगी, हमारे अंदर ताकत तब बढ़ेगा जब हम उस पर काम करेंगे, जब हम तपस्या करेंगे, जब हम खुद को उस पर तपाएंगे, तो जाकर के हमारे अंदर काबिलियत बढ़ेगी। और जब काबिलियत बढ़ जाएगी मेरे दोस्त, जब काबिलियत बढ़ जाएगी तो आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी कब रहता है? जब हम नए नए प्लान देने गए थे तो बड़ा डर लगता था, आज आपको डर नहीं लगता होगा शायद, क्योंकि उस दिन कॉन्फिडेंस नहीं था, आज कॉन्फिडेंस है। पहले दिन जब गाड़ी चलाना शुरू किया था तो बड़ा डर लग रहा होगा कि कहीं ठुक ना जाए, आज गाड़ी चलाते हुए डर नहीं लगता होगा। आज एक हाथ में बर्गर खाते हुए दूसरे हाथ में मोबाइल पे बात करते हुए फिर भी गाड़ी चला लेते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। वो कॉन्फिडेंस कैसे आया? वो कॉन्फिडेंस आया जब आपको अच्छे से गाड़ी चलाना आ गया, जब आपके अंदर कैपेबिलिटी आ गई। कैपेबिलिटी कैसे आई? जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया। बिकॉज अंग्रेजी की वो कहावत याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। प्लान देना नहीं आता था, आज किसी को भी प्लान दिखा लेते हैं, कैसे? वो कैपेबिलिटी आ गया। वो कैपेबिलिटी कैसे आया? जब हमने प्रैक्टिस किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया, स्टेज के ऊपर बात करने कैसे आ गया? पहले दिन तो नाम बोलने में भी पैर कांपते थे, क्योंकि हमने, हमारे अंदर कैपेबिलिटी आ गया। वो कैपेबिलिटी कैसे आया? जब हमने ज्यादा प्रैक्टिस किया, पहले अपने अंदर कमिटमेंट लिया, फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले अपने अंदर कमिटमेंट लिया कि मुझे अच्छा स्पीकर बनना है, फिर साहस दिखाया कि मैं बनूंगा। जब ये साहस दिखाया तो क्रिएटिविटी आई, क्या क्या करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, वीडियोज देखना शुरू किया, फिर छोटे छोटे मीटिंग्स के अंदर बोलना शुरू किया, तो बोलने की कैपेबिलिटी आ गई। और जब बोलने की कैपेबिलिटी आ गई तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि आज शायद हजारों लोगों के बीच आप बात कर लेते होंगे। मैं कर लेता हूं, मुझे भी पहले दिन एक आदमी के सामने भी बात करते हुए डर लगता था, ये मैंने कमिटमेंट करा। कुछ वैसे ही आप लोगों के सामने है, आप अपने पास्ट में जाकर के झांकिएगा, आपने कई बारी कमिटमेंट किया है, आपने भी आप इस चारों लेवल को, पांचों लेवल को पार किए। ऐसा नहीं कि मैं ही हूं या ये चंद लोग हैं, बस आपने क्या करा है, आपकी कमिटमेंट छोटी वाली थी, आपने कमिटमेंट छोटे चीजों को लेकर के करा, इसलिए छोटी चीजें अचीव हुई। कमिटमेंट बड़ी चीजों के लिए करेंगे, ब्रेन माइंड बड़ी चीजों के लिए क्रिएटिविटी ला करके देगा। बड़ी चीजों के लिए कमिट करोगे, साहस भी अदम्भ होगा, क्रिएटिविटी भी बड़ी गजब की आएगी, और जब उस पर काम करेंगे तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो उस काम को आप यूं धड़ल्ले से करेंगे कि कुछ माशाल्लाह कहने की कोई बात ही नहीं, आप जो चाहेंगे कर लेंगे। पहला अगर एक सिटी डेवलप करने में आपको डर लगेगा, कैसे जाऊंगा, नया जगह है, अनजान लोग हैं, कोई जानता नहीं है, दो चार एसोसिएट सिर्फ ज्वाइन करा है, कैसे करूंगा? लेकिन जब कमिटमेंट करके जाएंगे 100% की नहीं, मुझे तो इस नए शहर के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे तो अपनी टीम बनानी है, वहां जाएंगे, सोचेंगे, साहस दिखाएंगे, माइंड रास्ता देगा, और जब ब्रेन रास्ता देगा, ऑफलाइन मदद करेंगे, किताबें आपको गाइड करेंगी, और फिर वहां से जब जो भी आपको दिखेगा उसके ऊपर जब आप काम करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर क्या डेवलप होगा, कैपेबिलिटी, और जब कैपेबिलिटी हो जाएगा तो आप उस काम को बड़े आसानी से करेंगे। फिर आप जिस मर्जी सिटी में जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, आप हिंदुस्तान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के नए नए सेमिनार शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। किस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया? सेमिनार शुरू करने का। किस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया? जब गाड़ी नहीं चलाता था, आज गाड़ी चलाने का कॉन्फिडेंस आ गया। जब अंग्रेजी सीखने गए थे, लगता था कैसे बोलेंगे, आज अंग्रेजी सीखने का कॉन्फिडेंस आ गया। उन्हीं चारों पांचों चीजों पे आया, पहले कमिटमेंट करा। किस चीज का कॉन्फिडेंस आ गया? मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया। बोलने का कॉन्फिडेंस कहां से आया? पहले कमिटमेंट किया, फिर करेज दिखाया, फिर क्रिएटिविटी आई, और क्रिएटिविटी से जब आया तो काम किया उसके ऊपर, तो कैपेबिलिटी डेवलप हुआ, और जब कैपेबिलिटी डेवलप हुआ तो कॉन्फिडेंस आया, और जब कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में लगातार काम करेंगे तो हमें वो सारे सपने पूरे होंगे जिसको लिए हमने आया था, वो चीज़ हम अचीव कर पाएंगे जिसका हमने कमिटमेंट अपने लोगों से करा था। कॉन्फिडेंस गिव यू स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है, हार्डर
वी वर्क बेटर वी फील एंड बेटर वी फील हार्डर यू वर्क। जितना कठिन मेहनत करते हैं उतना अच्छा फील करते हैं, और जब अच्छा फील करते हैं तो और ज़्यादा काम करने का दिल करता है। यस और नो? तो मैंने आपको सिखाया, तो मैं रिपीट करता हूँ, कमिटमेंट, करेज, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, लास्ट वन इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार करना। और एक बार अब यहाँ से जरा गौर करिएगा, कंटिन्यूटी का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैंने एक चीज के ऊपर कमिटमेंट करा था और उस कमिटमेंट से लेकर के मैं कॉन्फिडेंस तक आया, इस पांचों साइकिल को पूरा किया और मैं उसी चीज को कंटिन्यू करता रहूं। नहीं मेरे दोस्त, इस कंटिन्यूटी का मेरा मतलब है कि मैंने अगर एक काम के लिए कमिटमेंट करा था वो कर लिया, तो अब मुझे दोबारा नई चीजों का कमिटमेंट लेना है। मुझे अगर अंग्रेजी बोलने का कमिटमेंट लिया था और उसमें 5C से मैं क्रॉस करते करते मुझे अंग्रेजी बोलना आ गया, तो मैंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया, तो मेरे लिए अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे अगर अब गुजराती सीखना है, अगर मलयालम सीखना है, अब कन्नड़ सीखना है, तो इसका कमिटमेंट लेना पड़ेगा। मुझे अगर नए शहर के अंदर सेमिनार डेवलप करने आ गया, तो एक कमिटमेंट मैंने लिया था कि मुझे अलग सिटी में सेमिनार शुरू करना है, उसके लिए मैं 5C से क्रॉस करते करते कॉन्फिडेंस पे आया। अब जो 6th C आएगा मुझे कंटिन्यू करना है, किस चीज के लिए? नया कमिटमेंट के लिए। अब क्या कि पहला कमिटमेंट था नए सिटी में सेमिनार शुरू करने का, अगला कमिटमेंट होगा नए सिटी में इवॉल्व स्टार्ट करने का, और फिर से वही साइकिल पूरा होगा। करेज दिखाना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा टाइम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। एक जो मुद्दे की बात है, मैं ये कैमरा जरा उस तरफ करूंगा और इसको समराइज करना चाहता हूं, इसको आप गौर से देखिएगा, इस 5C को, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये पेजेज कई सारे रखे थे लैपटॉप में दिखाने के लिए, नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं। ये कमिटमेंट है, यहाँ करेज है, यहाँ क्रिएटिविटी है, यहाँ कैपेबिलिटी है। गौर करिएगा, जब कमिटमेंट किया था तो कैपेबिलिटी नहीं थी, इसको मैं लाइन को अटैच कर रहा हूँ। जब कमिटमेंट जिस दिन करा था गाड़ी चलाने का, उस दिन गाड़ी चलाने की कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन कमिटमेंट किया था सेमिनार शुरू करने का, उस दिन सेमिनार करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन कमिटमेंट किया था अंग्रेजी बोलने का, उस दिन अंग्रेजी बोलने का कमिटमेंट, उस दिन कैपेबिलिटी नहीं थी। जिस दिन कमिटमेंट किया था इवॉल्व अपने टीम का करने का, उस दिन कैपेबिलिटी नहीं थी। वो कैपेबिलिटी कैसे डेवलप हुई? ध्यान रखिएगा, जिस चीज के लिए आप कैपेबल हैं उसके लिए कमिटमेंट करते हैं, तो वो कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट वो है जिसको आपको करना नहीं आता, जिसकी कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं है, कमिटमेंट उसको बोलते हैं। जब मैं इवॉल्व करने का कमिटमेंट किया था, मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने क्या करा? मैंने करेज दिखाया, मैंने साहस दिखाया। और ये क्या साहस दिखाया कि मैं इवॉल्व करूंगा। डर लगता था, कैसे करूंगा, रात को नींद खुल जाता था, एंजाइटी फियर होता था, लेकिन चूंकि कमिटमेंट 100% था, इसीलिए करेज फियर डिफीट हो गया और करेज जीत गया। और जब जैसे करेज जीता तो क्रिएटिविटी आई। फिर से मेरे दोस्त, मैं आज दोबारा से, ये कैपेबिलिटी आएगा कब? कैपेबिलिटी तब आएगा जब क्रिएटिविटी होगी। यानी ब्रेन रास्ता दिखाएगा। क्रिएटिविटी आएगा कब? जब आपका करेज जीतेगा और फियर हारेगा। ये करेज कब जीतेगा? जब ये कमिटमेंट 100% होगा। मैं कैमरा अपनी तरफ करता हूँ, बहुत लंबा चला गया बात, और इस चीज को आप समझिए, आप थोड़ा मुझे भी देख लें, राइट। तो ये 6C फार्मूला था मेरे दोस्त। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, बाद में आप शेयर कर लेंगे, और किसी और दिन जब ट्रेनिंग हुआ, कभी बड़े स्टेज से मौका मिला, तो मैं इसको बड़े सारे और एग्जांपल के साथ और इसको और एलोब्रेट करके और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आज भी कम टाइम में ये जरूर कोशिश किया आपको समझाने का कि ये 6C फार्मूला है, और जितने भी आज लीडर हैं इन सब लोगों ने यही करा है, एक एक करके कमिटमेंट करा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, अमित मिश्रा जी का,
जब नए नए हम लोग पर्ल बने थे, पर्ल क्लब मीटिंग में अमित मिश्रा जी आए थे और कंपनी ने एक टारगेट बाइक का लॉन्च करा था और अमित जी ने मीटिंग में बोला खड़े होकर कि मेरी बाइक पक्की, हर सर को कमिट करा, वो कमिटमेंट 100% था। और भी कुछ लोगों ने कमिटमेंट करा होगा लेकिन उनका फियर, बाकियों का फियर जीता होगा, करेज हार गया होगा, क्योंकि उनका फियर, उनका कमिटमेंट 100% नहीं था, मिस्टर अमित मिश्रा का कमिटमेंट 100% था। ऐसे करके एक के बाद फिर उसके लिए करेज दिखाया, करेज दिखाने के बाद क्रिएटिविटी लाई, क्रिएटिविटी के बाद काम किया तो कैपेबिलिटी बढ़ी तो कॉन्फिडेंस आया, और जब कॉन्फिडेंस आया तो काम करना बड़ा आसान हो गया और बड़े बड़े सफलताएं हासिल किया। और ये काम आपने भी करा होगा, बस इसको कंटिन्यू करिए, नए कमिटमेंट करिए। आज वक्त है दोबारा से एक नया कमिटमेंट करने का। अपने अप्लाइंस है, फ़ोन पे बात करिए, एक नया कमिटमेंट करिए, और कमिटमेंट करने के बाद करेज दिखाइए, सोचना शुरू करिए, माइंड आपका क्रिएटिविटी रास्ता देगा। और जब रास्ते पे आप चलेंगे तो आपके अंदर कैपेबिलिटी आएगी, और जब आपके अंदर कैपेबिलिटी आएगी तो कैपेबिलिटी के बाद जब आप काम करेंगे, कॉन्फिडेंस में काम करेंगे और रिजल्ट आएगा। आप जो चाहेंगे इस एक सी फॉर्मूला को करिएगा, सभी लोगों ने करा है, मैंने भी करा है, सब ने करा हुआ है, इसके बगैर बड़ी ऊंचाइयों पे नहीं जा सकते। आपने शायद पहले से ट्रेनिंग लिया भी होगा, शायद ना भी लिया हो, शायद पढ़ा भी हो, किसी को सुना भी हो, नहीं सुना हो, बट ये समरी है, ये सार है बिजनेस के अंदर ग्रो करने का। आई होप कि आप सब लोग को यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन चीज़ों पर अमल करते हुए, इस लॉकडाउन के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए, जब आप बाहर निकलेंगे इस लॉकडाउन से, आपके आचार विचार व्यवहार काम करने के तरीकों में एक अंतर दिखेगा और दुनिया को लगेगा कि हाँ, आपका नया जन्म हुआ, आपने कुछ नया सीखा है, और फिर आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।